नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी पुलिस ने एसपी के निर्देश पर एक शख्स को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स के पास से पुलिस ने लोडेड हथियार, गोली और मोबाइल फोन भी किया बरामद। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव, संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर चल रही 2 दिवस की राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। कुलपति ने आयोजक मंडल को दी शुभकामनाएं। मझौलिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लगातार 6ठे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी। आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम हो रहे प्रभावित। मझौलिया में सड़क पर जल जमाव से आवागमन की बड़ी समस्या, राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। और भारत विकास परिषद शाखा रक्सौल के तत्वाधान में अन्नपूर्णा रसोई सेवा की अच्छी पहल। 450 लोग से अधिक लोगों को कराया गया निःशुल्क भरपेट भोजन। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में छतौनी थाना इंस्पेक्टर कंचन भास्कर की टीम द्वारा छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स छतौनी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास से पुलिस ने लोडेड हथियार, गोली और मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संदर्भ में छतौनी थाने में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह में छतौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें छापेमारी किया गया है और उसमें एक व्यक्ति शत्रुघ्न प्रसाद, जो छतौनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 2 कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है अवैध हथियार को लेकर। आपराधिक इतिहास का खंगाला जा रहा है इनका, चूँकि व्यवसायी है, ईंट भट्टा से संबंधित व्यवसायी है, तो हम लोग और इसमें पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका किस किस क्षेत्र में अपराध है, क्योंकि हथियार का क्या प्रयोग करते थे, इस विषय पर अनुसंधान चल रहा है और गहन पूछताछ जारी की। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव, संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हो गया। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने की। वहीं मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कृष्णकांत ओझा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और आर्थिक सबल और सशक्त बनाएगा। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार और खास तौर से राजनीति विज्ञान विभाग की प्रशंसा की। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी द्वारा ये वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर ये संगोष्ठी 2 दिवसीय आयोजित की गई है और इस विषय पर भारत में आयोजित की जाने वाली ये संभवतः पहली गोष्ठी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के की संकल्पना को भारत में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे लागू करने के रास्ते में जो भी समस्याएं आ रही हैं, अब उस पर विचार होना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश के लिए निश्चित रूप से एक बहुत श्रेष्ठ अभिकल्पना है और यदि भारत इसको लागू करता है तो ये बहुत पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मझौलिया में बारिश होने से पक्की सड़क पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल जमाव की समस्या होने के कारण स्कूली बच्चे सहित राहगीरों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय हाई स्कूल चौक से लेकर मुख्य बाजार, जीप स्टैंड, ब्लॉक गेट, थाना गेट, रेलवे गुमटी समेत अन्य जगहों पर जल जमाव की स्थिति से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर लोगों ने कहा कि जमे पानी से दुर्गंध आती है और उन्हें बीमारी का भय बना रहता है। इस रास्ते से आवागमन करने वाले राहगीर भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार संबंधित विभाग के अफसरों से इसकी शिकायत की है, लेकिन समस्या से निजात अब तक नहीं मिल सका है। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना के आह्वान पर पश्चिमी चंपारण जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल बीते 29 सितंबर से लगातार 6ठे दिन भी जारी रहा।
इस कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित होने वाले पोषण संबंधी जागरूकता, टीकाकरण, पोषाहार सहित अन्य कई कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। मसौलिया प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी ने बताया कि इस बार मांगों के संबंध में जब तक कोई ठोस पहल नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय को दोगुना करने का वादा किया गया था। हम लोग सरकार से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और मांग में हमारा कि सबसे पहले कि सरकारी कर्मचारी को दर्जा दे सरकार हमको। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपया मांग दिए। इसके साथ 5 हमारी मांग है और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन पे डटे रहेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार को हम लोग कुर्सी से गिरा कर। देखिए कि हम लोग मैंने गर्भ से लेकर के मृत्यु तक ले हम लोग काम करते हैं, सब काम करते आ गए, लेकिन सरकार हम लोग को 4 घंटा के नाम लेता है और हम लोग 12 बजे रात के संदेशा देता है, वो काम हम लोग बाधक नहीं करते हैं, करके पूरा करते हैं, लेकिन सरकार के नज़र में हम लोग एकदम हम लोग को बिना माई बाप के बना लिया है, सरकार सुन नहीं रहा है। मेरा एक ही मांग है, मतलब हम लोग 5 सूत्री मांग पर बैठे हैं, लेकिन फर्स्ट मांग है कि हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहा है तो हम लोग का न्यूनतम मजदूरी 25,000 सेविका को और 18,000 सहायिका को दे, नहीं तो आने वाले चुनाव में 2024 में हम लोग सरकार के सत्ता को गिरा देंगे। भारत विकास परिषद शाखा रक्सौल के तत्वाधान में अन्नपूर्णा रसोई सेवा के तहत 450 से अधिक लोगों को निःशुल्क भरपेट भोजन कराया गया। परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सचिव उमेश सिकारिया ने संयुक्त रूप से बताया कि परिषद सेवा सहयोग समर्पण और राष्ट्र सेवा के संस्कार के भाव को आत्मसात कर बीते 5 महीनों से सेवा कार्य में लगी हुई है। परिषद के मीडिया प्रभारी रजनीश प्रियदर्शी ने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई सेवा परिषद के ऐच्छिक कोष एवं उदार लोगों के सहयोग से ये सेवा संपन्न हुआ। उन्होंने लोगों से परिषद के इस मुहिम में सेवा भाव से सहयोग करने की अपील की। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।